इस वक्त की वड्डी खबर कतर तो सामने आ रही है जिथे कि कतर की जेल तो रिहा होकर सत्त साबका नेवी अफसर भारत पहुंचे ने। तो सत्त साबका नेवी अफसर की वतन वापसी हुई है। भारत पहुंचदिया ही उन्होंने पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया। सत्ता नू जासूसी के इल्जामों तहत गिरफ्तार किया गया सी ते उन्होंने मौत की सज़ा सुनाई गई सी। हालांकि बाद दे विच सज़ा नू उम्र कैद दे विच बदल दिता गया सी। अगस्त 2022 च कतर दे विच सत्त भारतीय साबका नेवी अफसर की एक गिरफ्तारी हुई सी। ता जासूसी के इल्जामों तहत कोर्ट ने यह सज़ा सुनाई सी। ता वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं कतर तो सामने आ रही है जिथे कि कतर की जेल तो रिहा होकर सत्त भारतीय साबका नेवी अफसर वतन पहुंचे ने। वतन वापसी हुई है उन्हां दी। भारत पहुंचते ही पीएम मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया। आई मीन लेट अस गेट इन टू दिस मोड, लेट दिस फीलिंग सिंक इन। यहाँ के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार।